और अगली खबर बिहार से है, जहां पर शराबबंदी के बावजूद भी जो शराब माफिया है उनके हौसले इस कदर बुलंद है कि खुलेआम अवैध तरीके से वो लोग शराब बनाने का काम कर रहे हैं। और देखिए, आबकारी टीम जो छापेमारी करने के लिए पहुंचती है तो वहां पर जो दबंग मौजूद थे उन्होंने भीड़ के साथ मिलकर टीम पर ही हमला कर दिया। दिखाते हैं पूरी खबर। बिहार में वैशाली जिले के राधोपुर दियारा क्षेत्र में नदी किनारे अवैध शराब बनाने वाले आरोपियों ने उस वक्त जमकर तांडव मचाया जब आबकारी विभाग की टीम ने मौके पर छापेमारी की। ड्रोन से लिए गए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे अवैध शराब बनाने से जुड़े माफिया पत्थरबाजी करते दिख रहे हैं। वीडियो में यही साफ दिखाई दे रहा है कि जहां से ये पत्थरबाजी कर रहे हैं वहां ड्रम में अवैध शराब का जखीरा रखा हुआ है। दरअसल आबकारी टीम की ड्रोन के जरिए ही अवैध शराब बनाने वालों पर नजर पड़ी, जिसके बाद आबकारी टीम नाव के जरिए उस जगह पहुंची जहां अवैध शराब बनाया जा रहा था। इसके भनक लगते ही अवैध शराब से जुड़े माफिया भीड़ के साथ मौके पर पहुंच गए और आबकारी टीम पर अटैक कर दिया, जिसके हाथ में जो भी आया वो उसी से टीम पर हमला करने लगा। पत्थर हो या डंडा, अवैध शराब से जुड़े आरोपियों ने आबकारी टीम पर फेंका। भीड़ को देखते हुए आबकारी टीम भी सहम गई और जान बचाने के लिए जिस नाव से आई थी उसी से उसे वापस भागना पड़ा। लेकिन इस हमले में आबकारी टीम में शामिल पुलिस के एक जवान को काफी चोटें आई हैं, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया है। इस वारदात ने ये तो खुलासा कर दिया है कि बिहार में भले ही शराब पर पाबंदी हो लेकिन वहां अभी भी अवैध शराब बनाने का धंधा खुलेआम चल रहा है और इससे जुड़े माफिया पुलिस और आबकारी विभाग की टीम पर हावी है।